जब भी एज एन आर्टिस्ट मैं कहीं भी आउटस्टेशन जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वहाँ की स्पेशलिटी, वहाँ की कुछ खास जगह मैं ढूंढूँ. आई एम वेरी फॉर्चुनेट डेट आई कुड गो टू अ प्लेस कॉल्ड स्तंभेश्वर महादेव. क्या आपने कभी कोई ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो मंदिर दिन में दो बार गायब हो जाता है? आपको लगेगा कोई न्यूज चैनल के लिए ब्रेकिंग न्यूज बना रहा हूँ, बिल्कुल नहीं. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं बड़ौदा गया था, वहां से मैं जम्बूसर गया था. जम्बूसर से तकरीबन 1.25 घंटे की जर्नी करके मैं एक जगह पर गया जहां पर मैंने एक मंदिर देखा जिसका जिक्र स्कंद पुराण में आता है, जिसका जिक्र शिव पुराण में आता है, और वो जगह है स्तंभेश्वर महादेव. इस मंदिर की खासियत यह है कि तकरीबन 125 साल पहले यहाँ पर मंदिर है ये लोगों को पता चला. लेकिन ये मंदिर कब का है? ये अनादि काल का है. ऐसा कहा जाता है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस जिसने शिव जी की भक्ति की, तपश्चर्या की, भगवान शिव उनको प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हुए तो उसने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन शिव जी ने उसे अमर होने का वरदान नहीं दिया. जब वरदान नहीं दिया तो उसने कहा कि चलो मुझे दूसरा एक वरदान दो कि अगर मुझे कोई मार सकता है तो सिर्फ आपका पुत्र ही मार सकता है. तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हें सिर्फ शिव पुत्र ही मार सकता है. जैसे ही यह वरदान मिला, तारकासुर ने पूरी धरती पर आतंक मचा दिया. सारे जितने भी ऋषि मुनि थे जो होम हवन यज्ञ करते थे उनको प्रताड़ित करना शुरू किया, और ये सब लोग बहुत व्यथित होकर भगवान के पास गए और उन्होंने कहा भगवान हमें बचाइए. तब अपने तेजोमय शक्ति से भगवान शिव ने इस धरती पर प्रकट किया अपना एक पुत्र जिसका नाम है कार्तिकेय भगवान, जिसको दक्षिण भारत में मुरुगन इस नाम से भी जाना जाता है. इस कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया घनघोर युद्ध करने के बाद. जब तारकासुर की मृत्यु हुई तो मरने के कुछ क्षणों पहले जब वो अंतिम सांसें गिन रहा था तब उसने कहा ओम नमः शिवाय. ये सुनने के बाद कार्तिकेय को बहुत आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ. जब कार्तिकेय को ये पता चला कि उसने एक शिव भक्त की हत्या की है तो वो बहुत व्यथित हो गए और वो विष्णु जी के पास गए और उन्होंने कहा मुझसे ये पातक हो गया है, अब मैं इसका परिमार्जन कैसे करूं? तब विष्णु जी ने उनको कहा कि एक शिवलिंग की स्थापना समुद्र किनारे पर करना, जहाँ पर अनादि काल तक इन शिवलिंग का अभिषेक होता रहना चाहिए. तब ये शिवलिंग स्थापन कार्तिकेय ने इन द प्रेजेंस ऑफ पार्वती उन्होंने किया. स्तंभेश्वर महादेव जिसका पूरे वर्ल्ड में एज अ रिकॉर्ड ये कहा जाता है द ओनली डिसअपियरिंग टेम्पल ऑफ शिवा इन इंडिया. जरूर विजिट कीजिएगा. यहाँ पर सारे भक्त जो भी आते हैं उनको आश्रम की तरफ से एक बेसिक फूड जो होता है खिचड़ी और दाल और सब्जी ये मुफ्त में दी जाती है, और ज्वार भाटा का समय वहाँ पर टाइमिंग दिया जाता है हाई टाइड लो टाइड का. तो प्लान करके जाइए, 7-8 घंटे का प्लानिंग करके जाइए तो आपको ये मंदिर सचमुच दिन में दो बार डूबते हुए और फिर बाहर निकलते हुए दिखेगा. जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय.